कैथल में सफाई घोटाला एक बहुत बड़ा स्कैम सुनने में आया, जिसमें करोड़ों रुपए के फर्जी बिल बना बना के सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अफसरों ने मिलकर डकार लिए। वो हैरानी की बात नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है कि काम कम करो खाओ ज्यादा, वो हमारे लिए हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल करके उस शिक्षा घोटाले में बीजेपी के नेताओं को बचाया गया, उसी तरह से पुलिस का इस्तेमाल करके, उसी तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल करके यहां इस सफाई घोटाले में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने का काम किया जा रहा है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि विजिलेंस जिसको ढूंढती फिर रही है, जिसको विजिलेंस एक महीने से ये कह रही है कि ये पकड़ में नहीं आ रहे, हम खूब छापेमारी कर रहे हैं, हम आज उनकी एक तस्वीर लेकर के आए हैं। पंचकुला के अंदर जब अमित शाह जी आए तो उनके बीजेपी के पदाधिकारियों के सम्मेलन में ये व्यक्ति बैठ करके प्रवीण सरदाना इनका नाम बताया गया, घोटाले में नाम है, विजिलेंस इनकी खोजबीन कर रही है, ढूंढ रही है, कह रहे हैं कि छापेमारी भी करिए भाई इनको पकड़ने के लिए। लेकिन ये तो अमित शाह जी के संरक्षण में, उनके कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में ये तो आराम से सेल्फी ले रहे हैं। इसका स्पष्ट मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम नेताओं को जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने सफाई घोटाला किया, करोड़ों रुपए उसमें कमाए, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, उनको भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप का संरक्षण प्राप्त है, उनको ऐसे कार्यक्रमों के अंदर आने की अनुमति है जहां केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, जहां सुरक्षा टॉप लेवल पर होती है, वहां तो ये जा सकते हैं। लेकिन विजिलेंस को ये एक महीने से मिल नहीं रहे, ये बात समझ से परे है। हरियाणा के लोग अब एक ऐसे विकल्प की तलाश कर रहे हैं जो इस भ्रष्टाचार से परे हो, जिसके ऊपर सारी एजेंसियां भाजपा की सरकार ने लगा दी हो, उसके बावजूद भी एक चवन्नी आज तक बरामद नहीं कर पाए हो, जिनके ऊपर रत्ती भर भी भ्रष्टाचार आज तक साबित नहीं हो पाया हो, आम आदमी पार्टी जैसे इस तरह के विकल्प को हरियाणा के लोग इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तलाश रहे हैं। और हमने भी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा के लोगों की इस मंशा को पूरा करने के लिए हमने भी अपना अभियान शुरू कर दिया है।